आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए हैं उनका क्या महत्व है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है। आप फर्स्ट क्वेश्चन से वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। आइए शुरू करते हैं आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्टेड इन द 20th सेंचुरी हैड सेपरेट इट्स रूट इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। जो क्रांतिकारी आंदोलन थे वो बीसवीं शताब्दी में शुरू हुए थे और इसकी जो जड़ें थी वो भारत देश के हर क्षेत्र में फैल गई थी। द गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली सप्रेस दियर एक्टिविटी। गवर्नमेंट ने इसको कठोरता से दबाया, उनकी जो गतिविधियां हैं उनको पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की। हंड्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी वर हैंग्ड एंड मैनी मोर वर सेंट टू जेल। सैकड़ों जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी पर लटका दिया गया और बहुतों को जेल में डाल दिया गया। ऑल थॉट ग्रेजुअली द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्लोप डाउन। इस प्रकार धीमे धीमे जो क्रांतिकारी मूवमेंट थे वो धीमे हो गए। वट इज गॉन इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। परंतु भारत के इतिहास में इन क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए हैं उनका स्वतंत्रता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण स्थान है। इंडियन पीपल होल्ड देम इन वेरी हाई रिगार्ड बिकॉज दिस रेवोल्यूशनरी हैड नो सेल्फिश मोटिव बिहाइंड दियर एक्शन। जो भारत के लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि इन क्रांतिकारियों ने इनका खुद का कोई अपना मोटिव नहीं था। इन्होंने जो कुछ भी एक्शन या कार्य किए हैं वो देश के लिए किए हैं। दे वर सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्रीफाइस एंड सेल्फिशनेस बिफोर द यूथ। और इन्होंने जो जवान लोग हैं उनके सामने सेक्रीफाइस और सेल्फिशनेस का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है, उदाहरण प्रस्तुत किया है। वेन एवर ए रेवोल्यूशनरी वॉज हैंग्ड पीपल यूज टू बी सैड एंड एंग्री एंड ए सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म वाज अराउजिंग इन देम। जब इन क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया जाता तो बाकी लोग अंदर से गुस्से से भर जाते और उनके अंदर देशभक्ति की भावना का विकास होता। दिस प्रोमोटेड पब्लिक अवेकनिंग। ये चीज आम नागरिक को अवेयर करती, जागरूक बनाती। द इंडियन नेशनल आर्मी एंड द नेवी रिवॉल्ट आल्सो हैव अ प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। इसी प्रकार इंडियन नेशनल आर्मी का भी, जो सुभाषचंद्र बोस ने जो भारत सेना बनाई थी उसका भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात स्वतंत्रता दिलाने में सुभाषचंद्र बोस की नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैबिनेट मिशन, टू व्हाट एक्सटेंड इट सक्सीडेड इन इट्स मिशन। जो कैबिनेट मिशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे और ये कहाँ तक सफल हुआ इसके बारे में बताना है। कैबिनेट मिशन 1946 केम टू इंडिया। जो कैबिनेट मिशन है 1946 में भारत आया, टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू द इंडिया, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। द कैबिनेट मिशन प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए यूनियन ऑफ इंडिया विद फोर जोन प्रोविनेंस। इस मिशन ने इंडिया को चार भागों में बांट दिया, चार जोनों में डिवाइड किया, विद देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑटोनॉमी एक्सेप्ट इन एरिया, जिसमें उनके संविधान को, उनकी ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट किया गया। द कैबिनेट मिशन आल्सो प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी इलेक्टेड बाई द प्रोविनेंशियल लेजिस्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनर इलेक्ट्रेट्स। उन्होंने बताया कि एक संविधान बनाइए जिसमें कि गवर्नमेंट को एक इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुना जाए। कांग्रेस एक्सेप्ट द कैबिनेट मिशन प्रपोजल टू अवॉइड दिल्ली इन इंडिपेंडेंस। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट
कर लिया। द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन की क्या क्या रिकमेंडेशन थी फर्स्ट देख लेते हैं। देयर शुड बी ए फेडरेशन ऑफ इंडिया कंप्रेजन बोथ फ्रॉम इंडिया स्टेट एंड ब्रिटिश इंडिया, मैटर लाइक फॉरेन अफेयर, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन शुड बी डेल्ट विद दिस फेडरेशन एट द सेंट्रल लेवल। उन्होंने बताया कि जो इंडिया है उसको स्टेट लेवल पे एंड और एक तरह से अपन कह सकते हैं इनकी जो विदेशों से कैसी संबंधित रहेंगे, इसके किसी भी विदेशी का इसके ऊपर एक तरह से अपन मान लेते हैं कि कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। इट प्रपोज टू फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल बट द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब उन्होंने बोला है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक और पर्पस दिया गया कि एक बॉडी बनाई जाए जो कि पीपलों के द्वारा सिलेक्ट नहीं हो, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हो जो सेल्फ डिपेंड हो। एन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ ऑल द पार्टीज शुड बी सेट अप इन द सेंटर पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सेंटर में गवर्नमेंट बैठे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देश को चलाए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फर्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड व्हेन डिड इट स्टार्ट, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ था और भारत के इतिहास में क्या महत्वपूर्ण स्थान है इसका, तो ये लॉन्ग में पूछा है, ये शुरू करते हैं। देर आर मैनी रीजन फॉर द स्टार्टिंग ऑफ दिस मूवमेंट, बहुत सारे कारण है इस आंदोलन के स्टार्ट होने के। इंडिया वॉज नॉट विलिंग टू टेक पार्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बट वॉज फोर्स टू ज्वाइन विदाउट एनी कंसेंट। जो भारत देश है वो द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, परंतु लोग जो उस वक्त ब्रिटिश सरकार थी उसको फोर्सली उसमें पार्टिसिपेट कराना चाहती थी। द इकोनॉमी ऑफ कंट्री परन टू टर्निंग एक्सपेंडिचर बेंट ऑफ थ्री फोल्ड प्रॉफिटिंग एंड एक्सप्लोटेशन कंटिन्यूड। जबकि देश के अंदर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लोगों का आर्थिक शोषण ये गवर्नमेंट कर ही रही थी। इन सच ए डिजायर कंडीशन कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन सारी घटनाओं को देखते हुए कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। इवन बिफोर द मूवमेंट स्टार्ट ऑन द नाइट ऑफ 9 अगस्त 1947, ये स्टार्ट होने से पहले 9 अगस्त 1942 को गवर्नमेंट अरेस्ट लीडर ऑफ लाइक महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू एंड अदर मेंबर ऑफ वर्किंग कमेटी एंड सेंट देम टू पुणे। गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन नेताओं के जो नाम दिए गए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, इनको अरेस्ट कर लिया और पुणे की जेल में भेज दिया। This hasty action on the part of government started of the movement without any effort. इस action ने government के ने लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया। The mob came on road. There were strikes, demonstration and public meeting all over the country. इसके अवज में क्या हुआ, पूरे देश में मीटिंग होने लगी, लोग सड़कों पर उतर आए। बॉम्बे, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, जबलपुर, पटना, इवन इन द स्मॉलर टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ फॉर द स्ट्रगल। ये सारी जगह पर लोग इकट्ठे हुए और आंदोलन करने लगे। द इम्पोर्टेंट क्विट इंडिया मूवमेंट इज दैट, जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका महत्व तो ये है, दिस मेड फ्रीडम टू कंट्री एंड इंस्टेंट डिमांड ऑफ नेशनल मूवमेंट। इस मूवमेंट ने हमारे देश को आजाद कराया। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल ऑन वन अकाउंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलीज दैट द डिमांड फॉर फ्रीडम बाय द इंडियन कैन नॉट बी इग्नोर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इस आंदोलन से ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि अब देश को आजाद कराने की इनकी जो मांग है उसको ज्यादा दिनों तक टाला नहीं जा सकता, लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट द इंटरनेशनल ओपिनियन वॉज फॉर्मेड अगेंस्ट इंग्लैंड।
क्योंकि इस मूवमेंट से ही जो बाकी विदेशों में जो गवर्नमेंट थी उनका जो ओपिनियन था इंग्लैंड सरकार के खिलाफ हो गया। दैट्स वाई आफ्टर द मूवमेंट एंडेड द ओनली क्वेश्चन टू बी एड्रेस वाज द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट। और लास्ट में इस मूवमेंट का असर ये पड़ा कि उन्होंने जो गवर्नमेंट की पावर थी उसको ट्रांसफर कर दिया भारतीय लोगों के हाथों में। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द रेवोल्यूशनरी, आप क्रांतिकारियों के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट मेथड डिड दे अडॉप्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। द रेवोल्यूशनरी बिलीव दैट पॉलिटिकल राइट्स कैन नॉट बी अचीव थ्रू नॉन वायलेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनली मीन। जो क्रांतिकारी लोग थे वो इस बात पर विश्वास करते थे कि हमारे जो राजनीतिक अधिकार है हम उन्हें अहिंसा के और संविधान के मार्ग से नहीं ले सकते। द रेवोल्यूशनरी वर ऑफ द फ्यू दैट इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रूल कैन बी गॉट बाय द वायलेंस एंड थ्रेट टू द ब्रिटिश रूल। जो क्रांतिकारी थे वो खुद के नियमों को मानते थे और हिंसात्मक तरीके से अपनी बात को मनवाने में विश्वास रखते थे। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव टू रेवोल्यूशनरी फॉर्म सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज इम्पार्टेड देम मिलिट्री ट्रेनिंग कलेक्टिव आर्म एंड एमिशन एंड प्रोपोगेटेड रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी थ्रू न्यूज़पेपर एंड अदर मीन्स। अब इसमें ये बताया गया है कि रेवोल्यूशनरी अपने ऑर्गेनाइज खुद बनाते थे, उन्हें खुद मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी और उनकी खुद की अपनी एक आइडियोलॉजी थी जिसे पेपर में वो पेपर के द्वारा लोगों को बताते थे और लोग उनके साथ कनेक्ट हो जाते थे और इस प्रकार अपने ग्रुप के द्वारा अपनी सोच के द्वारा अपनी सोच जैसी रखने वाले लोगों के द्वारा अपने कामों को करवाते थे। इन उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली रायबरेली वॉज एंड सचिंद्र सियाल ऑर्गेनाइज द रेवोल्यूशनरी। और उत्तर प्रदेश दिल्ली में ये नाम दिए गए हैं, ये भी क्रांतिकारी थे जिन्होंने ग्रुप बनाया था। इन 1912 ए बॉम्ब वाज हर्ल्ड एट द वॉशरूम दिल्ली वर्ड द नैरो एक्सपेक्ट द रेवोल्यूशनरी हु वर अरेस्टेड वर ट्राइड इन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के सेवरल रेवोल्यूशनरी वर हैंगेड। इसी तरह ये अपने बम व हथियारों से अपनी बातों को मनवाते थे। उसी वक्त दिल्ली में एक तरह से बम ब्लास्ट किया गया जिसके एवज में अंग्रेजों ने बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़ा और फांसी पर लटका दिया। ड्यूरिंग दो डेज द एक्टिव रेवोल्यूशन इज महाराष्ट्र वर सैनिक कृष्ण वर्मा वासुदेव बलवंत फाड़के चाफेकर वर्कर एंड सावरकर ब्रदर्स रेवोल्यूशन फीलिंग ग्रांटेड द मूवमेंट इन पंजाब इन 1907। बहुत सारे नाम दिए गए, सब क्रांतिकारी थे, अपने अपने मूवमेंट को अलग अलग जगह पे चला रहे थे। यह श्री परमानंद लाला हरदयाल एंड अदर लीडर्स द रेवोल्यूशन इन 99 ये नाम दिए गए। और भी है जो पंजाब में कुछ रेवोल्यूशन कर रहे थे, मदन लाल ढींगरा किल्ड, श्री विलियम कर्जन वैली एंड द अनंत कलिंदा किल्ड द सीजन जज मिस्टर जैक्सन इन नासिक, और कुछ नाम बताए गए जिसमें रेवोल्यूशन को मारे भी जा रहे थे। द रेवोल्यूशनरी नीडेड मनी टू कैरी आउट देयर एक्टिविटी एंड देयर फॉर प्लान टू लूट गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑन 19 अगस्त। अब क्रांतिकारियों को अपनी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी, इसके लिए उन्होंने सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। 19 अगस्त 1925 दे स्टॉप ए ट्रेन एट अ प्लेस कॉल्ड द काकोरी नियर लखनऊ। 1925 में 9 अगस्त को इन्होंने लखनऊ के पास काकोरी जगह पे एक ट्रेन को रोक लिया एंड लूट द गवर्नमेंट मनी और सरकारी खजाने को लूट लिया। इन पंजाब भगत सिंह ऑर्गेनाइज नौजवान भारत सभा, और भगत सिंह ने पंजाब में एक नई सभा को ऑर्गेनाइज किया नौजवान भारत सभा। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप टू द अराउज द पैट्रियोटिज्म अमंग द यूथ। और इस ग्रुप का जो बनाया गया था सिर्फ जवानों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने की बनाया था, लगभग देशभक्ति लोग इसमें ज्वाइन हुए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू पास पब्लिक सेफ्टी बिल, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पब्लिक सेफ्टी बिल पास करना चाहती थी। टू प्रिवेंट द पासिंग ऑफ बिल
द रेवोल्यूशनरी प्लांटेड टू थ्रो अ बम इन द सेंट्रल असेंबली। तो क्रांतिकारियों ने इस बिल को पास जब करने जा रही थी तो उस असेंबली में बम फेंकने की प्लानिंग बनाई। सरदार भगत सिंह एंड द बटुकेश्वर दत्त वर इंटरेस्टेड दिस वर्क व्हेन दिस बिल पास बीइंग डिस्कस्ड इन द असेंबली ऑन 9th अगस्त 1929। भगत सिंह हलेड अ बम इन द असेंबली। इस बिल का जब पास हो रहा था असेंबली में 9 अगस्त 1929 को भगत सिंह ने इस असेंबली में बम को फेंक दिया। इस तरह से वो अपन को ये बताना चाहते थे कि हम किस तरह से अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए हमको जो आजादी है उसे दीजिए। थर्ड क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।